और अब रुख करते हैं बड़ी खबर का। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। सोनिया और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की तरफ से मीटिंग हो रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और इस मीटिंग में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। हैदराबाद से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, सोनिया और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं और 2024 में किस तरह से कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी उसको लेकर चर्चा इस बैठक में हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हैदराबाद से, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से मंथन चल रहा है कि किस तरह से अपनी रणनीति को मजबूत बनाया जाए। तमाम जो पार्टियां हैं इस वक्त 2024 के लिए अपनी धार तेज कर रही हैं, और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी मंथन चल रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बैठक में विधानसभा चुनाव एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है जिस पर चर्चा रहेगी, और हैदराबाद में इस वक्त ये बैठक चल रही है। खबर ये मिल रही है कि सोनिया गांधी इसमें मौजूद हैं, राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी राकेश सिंह इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, ये अपने आप में अहम मीटिंग, हालांकि तमाम जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से स्ट्रेटेजी बन रही है कि किस तरह से 2024 में अपनी दावेदारी को मजबूत किया जाए, और इस वक्त कांग्रेस भी मंथन कर रही है। क्या जानकारी है इस मीटिंग से जुड़ी हुई, किन मुद्दों पर चर्चा रह सकती है राकेश? देखिए, ये बैठक काफ़ी अहम माना जा रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कमान संभाली है उसके बाद जो सीडब्ल्यूसी में पुनर्गठन किया गया है उसके बाद ये बैठक है। तो ये बैठक हैदराबाद में हो रही है, और इसमें जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मसलन बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम जो हैं, चार सीएम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जो मसला है, जो मुद्दा रहने वाला है, मुद्दा है पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए एजेंडा किस तरह से रखा जाए, राहुल गांधी का जो दूसरे दौर का भारत जोड़ो यात्रा है उसको क्या शुरू करना है तो किस तरह शुरू करना है, साथ ही साथ 6 गारंटी योजना का जो है ऐलान कांग्रेस यहाँ पर कर सकती है तेलंगाना को लेकर। तेलंगाना में ये हैदराबाद में ये सीडब्ल्यूसी करने का ये सीधा संदेश है कि तेलंगाना को लेकर कांग्रेस गंभीर है। लेकिन अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2:30 बजे से ये बैठक शुरू हो चुकी है, तो इस बैठक में आखिरकार किन किन चीज़ों को आगे रखा जाता है। साथ ही साथ बात करें कि 17 तारीख को भी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के विस्तारित समिति की बैठक है, तो इसमें मंथन और होगा, और साथ ही साथ इसमें जो सीडब्ल्यूसी विस्तारित है उसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण मंथन है आज का, और उसके बाद कल इसको लेकर सभी राज्यों के अध्यक्षों के साथ जो है इस पर बैठक होगी। बिल्कुल राकेश, और अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है, चुनौती जो है, वो काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि इस वक्त इंडिया गठबंधन को भी साथ लेकर चलना है, चुनावों पर भी चर्चा रहनी है। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा में बने हुई है कांग्रेस, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कश्मीर का मसला हो, मणिपुर का मसला हो, और इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी मजबूत प्लानिंग की जा सकती है, किसी ऐसे मसले पर बातचीत हो सकती है जो आगामी चुनाव के लिहाज से अहम हो? देखिए, पांच राज्यों के जो चुनाव हैं उसके लिए रणनीति तो बनेगी, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव हैं, और INDIA जो इंडिया बना है, विपक्षी दलों का गठबंधन, उसको लेकर कांग्रेस क्या आगे कांग्रेस की रणनीति होनी है, कांग्रेस का एजेंडा क्या हो, क्योंकि जो कई राज्यों में जो कांग्रेस को चुनौती पेश होने वाले, चाहे बात करें दिल्ली में, मसलन बात करें ये पंजाब, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर जो मांग रखी है कि छत्तीसगढ़ में भी उनको सीट चाहिए, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में, तो ये जो गठबंधन होगा INDIA के जो अन्य घटक दल हैं, अगर उनको सीट देने पर होता है तो आखिरकार किस तरह से उनको रजामंदी होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होगी कांग्रेस के लिए कि उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाए।
राकेश, पूरे देश भर से जो छोटे बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे, इसके अलावा क्योंकि दो मुख्य चेहरे तो रहने ही वाले हैं, इसके अलावा और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, जो ये सदस्य हैं, जो हमें जानकारी मिल रही, 90 सदस्य हैं, जिसमें से करीब 6 सदस्यों ने असमर्थता जताई है, 84 सदस्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, और आप टेलीविज़न स्क्रीन में साफ तस्वीरें में देख रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये बैठक जो है, खास तौर पर कांग्रेस को किस तरह से रिवाइव करना है, कांग्रेस को आगे किस तरह से रणनीति बनाना है, एक तरफ जो है बीजेपी उसके लिए चुनौती है, तो दूसरे तरफ INDIA में कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़े, साथ ही साथ राहुल गांधी की जो यात्रा की बात जिक्र कर रहा था, भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2, उसको किस तरह से जाना है, तो तमाम, साथ ही साथ जो स्पेशल सेशन हो रहा है, स्पेशल सेशन को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, तो ये महत्वपूर्ण मसला है जिसको लेकर मंथन इसमें हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हैदराबाद में इस वक्त मंथन चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, अब देखना ये होगा कि किन अहम मसलों को लेकर चर्चा होती है, क्योंकि कुछ संभावित मुद्दे हैं और कुछ मुद्दे जो हैं वो यहाँ से निकल कर आएंगे, जिसके बाद हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। तो हैदराबाद में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक चल रही है, कल यहाँ कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश के मुताबिक CWC मीटिंग में कई चरणों में चर्चा होगी। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। CWC में कुल 84 नाम हैं, इनमें CWC मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में BJP, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस, तेलंगाना में BRS और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट BJP की सरकार है। और ये पहली बार है कि जब कई साल के बाद दिल्ली के बाहर CWC की बैठक हो रही है। पहले तो ये हमारे वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, ये पहली बार है, मैं अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम कर रहे हैं, और कल भी एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें तय होगा। पहले तो हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें ज़्यादा बात होगी, उसके बाद जो अलायंस के बारे में बातचीत अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली बार संगठन के लिए हम बैठेंगे और संगठन के बारे में हम बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी उसमें रहेंगे, श्रीमती सोनिया गांधी जी रहेंगे, प्रियंका गांधी जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे और सीनियर लीडर्स भी सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हैं। सर, कांग्रेस की CWC की बैठक हो रही है, कितनी उम्मीद है? देखिए, नए हमारे अध्यक्ष निर्वाचित खड़गे जी, ये उनकी बनाई हुई कार्यकारिणी वर्किंग कमेटी है और ये एक महत्वपूर्ण कांग्रेस का सर्वोच्च संगठन है, उसके साथ बैठकर मौजूदा हालात पर राजनीतिक चर्चा होगी। और ऐसे समय जब इंडिया नया गठबंधन बना है और तेजी से वो विजय की ओर बढ़ रहा है और मोदी सरकार का पतन सुनिश्चित हो गया, तो उस समय कैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी को रणनीति बनानी है, उस पर चर्चा होगी। और हमारा वादा है जैसे ही चर्चा हो जाएगी, निर्णय हो जाएंगे, हम सार्वजनिक रूप से मीडिया में इसको दे देंगे। 18 सितंबर से पार्लियामेंट का विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, 5 दिनों की सत्र होगी, ऐसे में आप लोग की क्या तैयारी होगी, आप लोग किस तरह के मुद्दे को उठाएंगे? ये पहला सत्र है जहाँ पे एजेंडा ही नहीं था, वो जो सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, दबाव में आया, एजेंडा दिया। अब अभी तक के कार्यक्रम में तो यही लग रहा है कि अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ,
जैसे सेल बंद हो जाती है ना, तो दुकानों पर सेल लगा दिया जाता है कि ये स्पेशल सेल, कुछ करेंगे देखेंगे, अब जब आएगा तो वहीं पर उसका उत्तर हम देंगे। क्योंकि नई बिल्डिंग में जाना है, नए पार्लियामेंट में जाना है, इस बार एक जवाब मांगेंगे कि जब बिल्डिंग तैयार नहीं थी तो आपने उद्घाटन इसका इतने पहले क्यों कर दिया, उसके बाद पूरा का पूरा सत्र पुरानी बिल्डिंग में क्यों हुआ, अगर तैयार नहीं थी उद्घाटन क्यों किया, अगर उद्घाटन कर दिया तो पुराने सत्र में क्यों नहीं किया, ये जल्दबाजी क्या थी, क्यों हमारी राष्ट्रपति जी को इग्नोर किया गया, ये सारे सवाल पूछेंगे। सर, कश्मीर में इनकाउंटर हो रहा है और सेना भी जो है सो आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे 5 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम प्रणाम करते हैं, सलाम करता हूं मैं उन वीर जवानों के बलिदान को। लेकिन एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं मोदी जी आपसे, जब उसकी माँ रोती हुई कह रही थी क्या भारत सरकार इनको लंबी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सकती थी, तो क्या आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट ऐसी नहीं जो आतंकवादियों को गोली से बचा सके? ये बड़ा मौजू सवाल है, सब दिल में चुभ गया है। एक तरफ पार्थिव शरीर पड़ा था मेजर का और दूसरी तरफ उसकी माँ ये कह रही थी, जिसने अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया, उसने कहा मैंने तो अपना बेटा फौज में दे दिया था, पर क्या सरकार उसको लंबी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सकती थी? इस सवाल का जवाब मोदी जी करोड़ों भारतीयों के दिलों में चुभा हुआ है, इसका जवाब आपको देना होगा। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर वैश्विक नेताओं को दिखाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर 1 दिया गया। ऐसी तमाम सर्वे रिपोर्ट विदेश में होती है, जहाँ अपने राष्ट्राध्यक्ष को आसमान पर चढ़ा दिया जाता है, दुनिया जानती कैसे बनती है बनाई जाती है। यहाँ का बताओ मोदी जी क्या हालत है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आप कैसे हारते जा रहे हैं? हिमाचल हारे आप, हारे कर्नाटक, हारे बाई इलेक्शंस आप हार रहे हो, और अपने आप को अरे ऐसा है जैसे कोई माल ना बिकने वाला हो ना तो उसको रगड़ो पोछो ये करो बाजार में अनसेल रख दो, वही। सर, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है और उस दिन यानी कि रविवार को वो विश्वकर्मा योजना के नाम से, पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनका जन्मदिन है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और एक ही आग्रह करता हूं कि अगला जन्म आप पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में मनाएं, लंबी आयु हो, स्वस्थ। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।